गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक बार कॉल तो कर देते अगर ज्वाइन नहीं हो रही थी। मैंने मीट खोला हुआ था ना, तो पता ही नहीं चला मुझे मैसेज का। कॉल करते हो तो पता चलता, फिर वो तो मैंने आकांक्षा को ही फोन किया। अब आप लोग देखो कितना टाइम वेस्ट हो गया, और मेरी इसके बाद भी नेक्स्ट क्लास है पता है। हाँ बस वही, मेरे को अगर नेक्स्ट का टाइम ना हो ना तो प्लीज कॉल कर दिया करो, उससे मुझे पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कॉल कर देना। ठीक है, क्योंकि अब पता है, आप बताओ मैं अटेंडेंस लूँ कि पढ़ाऊँ। अटेंडेंस ही ले लूँ। मैं पढ़ा देती हूँ जी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और कोई रहेगा भी तो बता देना मुझे, कल कर लेंगे कंफर्म। नहीं तो नहीं, लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो हम अटेंडेंस भी ले लेंगे। ठीक है, फिलहाल क्लास कर लेते हैं, क्योंकि क्लास होना जरूरी है। ठीक है, फिर आपको नहीं तो छूट जाएगा, अटेंडेंस में ही सारा टाइम निकल जाता है। आज आपको मुझे वैसे भी एसिटी मैट्री पढ़ाना था ना आज आपको। ठीक है, एक चीज मैं पहले, ठीक है, टाइट्रेशन जो हमारी एसिटी, एक मिनट में तो स्ट्रक्चर भी बना के दिखानी पड़ेगी ना आपको। ठीक है, सबको दिख रहा है, मैं बोलती रहूंगी, सुनते रहना, जहां पे समझ नहीं आएगा मेरे को बता देना फिर। ठीक है, जो हमारे एनालिसिस के अंतर जो आता है, जो मतलब हम क्या करते हैं, हमारा जो एनालिसिस होता है, जो टाइट्रेशन में होता है एनालिसिस होता है, उसमें क्या करते हैं, हम किसी भी चीज का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। करते हैं, यस और नो बोलते रहना, मुझे पता चल जाएगा फिर। ठीक है, करते हैं ना। तो उसके लिए जो हमें क्या करना होता है, उसके लिए हम टाइट्रेशन की हेल्प लेते हैं। जब हम किसी भी चीज का जब हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, टाइट्रेशन यूज हो गई हमारी। तो टाइट्रेशन जब यूज होती है, जो टाइट्रेशन होती है वो किसके बेस्ड होती है, एसिड्स के बेस होती है। एसिड्स के बेसिस पर क्या होती है, हमारी टाइट्रेशन होती है, एसिड और बेस होती है ना। एसिड और बेस के बारे में तो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हम आज पढ़ रहे हैं एसिडोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होता है, एसिडोमेट्री जो हमारे जो एसिड्स होते हैं वो टू टाइप के हो गए। फर्स्ट हमारे हो गए एसिडोमेट्री, सेकंड हमारे एल्कली। वो अभी पढ़ा नहीं रहे तो हम उसके बारे में बात नहीं करते। फर्स्ट हमारे एसिडोमेट्री, सेकंड हमारे एल्कलीमेट्री। तो जो हमारे एसिडोमेट्री होती है वो क्या होती है, हम पढ़ रहे हैं एसिडोमेट्री हमारी क्या होती है। तो जो इसमें एसिडिमेट्री में आपको पता है, जो टाइट्रेशन, जैसे मैंने बोला कि हम कंसंट्रेशन जिसकी फाइंड आउट करते हैं, जिस एनालाइट के हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, अब कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन हमारा मीन्स क्या हो गया, कंसंट्रेशन से कोई मुझे बताएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन जी। लेवल, आपको मैंने पीपीएम पढ़ाया, मिलियन पढ़ाया, पार्ट्स पर मिलियन पढ़ाया, आपको मैंने मोलैरिटी पढ़ाया, इनमें मैंने आपको क्या पढ़ाया, उसमें ये पढ़ाया मैंने कि उसका जो लेवल है, लेवल पढ़ते हैं आप उसमें, आकांक्षा कंसंट्रेशन में आपने लेवल पढ़ा गया, लेवल अमाउंट, अमाउंट और क्वांटिटी। लेवल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवल, अमाउंट और क्वांटिटी तो पता चलती है, कंसंट्रेशन से मीन्स क्या होता है, जब आप उसमें फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप अमाउंट और क्वांटिटी तो पता करते थे, यस और नो। तो फिर लेवल क्या बोल रहे हो, पूरी चीज, हाँ सही से बोला करें ना, जो समझ नहीं आता वो पूछ लिया करें। ठीक है, तो हम कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, अमाउंट या क्वांटिटी पता चलती है हमें, कंसंट्रेशन मीनिंग। फिर हम पता करते हैं हमारा एनालाइट, जैसे मैंने यूज किया यहाँ पे एनालाइट, तो एनालाइट क्या होता है, जिसका हम कंसंट्रेशन निकालते हैं ना वो होता है, मतलब जिस जिस चीज का हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं उसको ही तो बोलते हैं, जिसकी हमें मात्रा पता करनी है ना। आइडेंटिफाई, यस,
कंसेंट्रेशन विल बी आइडेंटिफाई, जिसकी हम मात्रा पता करते हैं उसको एनालाइट बोलते हैं, जो भी हम यूज करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको पढ़ाया था प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी प्राइमरी स्टैंडर्ड उसमें क्या था, एक शॉर्ट, क्योंकि इसी के बेस पे ये एसिड वाली होगी, इसलिए मैं आपसे ये रिवाइज कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ। हमारा जो प्राइमरी स्टैंडर्ड था वो क्या था, जिसकी मतलब किसी की जो हमारा प्योर नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है वो ही ना, जिसका हमें पता रहता है जिसकी हाँ ठीक है, तो यही होता है ना हमारा प्योर नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि जिसका नॉन कंसंट्रेशन पता है और प्योर फॉर्म में मिलता है हमें, उसको ही प्राइमरी स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब फिर हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या था, ठीक है इसमें मतलब वो ठीक है आप बोल रहे हैं, लेकिन हमें इसमें क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एनालाइट होता है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन, मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप जो बोल रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन हमें ऐसे बात करनी है कि जो हमें एक लाइन में समझ में आए। ठीक है, जिसमें एनालाइट होता है वो वाला सॉल्यूशन। ठीक है, वही ना जिसका हम पता कर रहे हैं उसको। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें एक चीज हो जाती है, टाइट्रेशन में एक आता है एंड पॉइंट, एंड पॉइंट आता है। अब एंड पॉइंट क्या होता है, यानी कि जहां पर हमारी टाइट्रेशन है वो फिनिश हो जाती है, फिनिश पॉइंट, फिनिश पॉइंट। ठीक है, यानी कि हमारी टाइट्रेशन जहां पे फिनिश होती है वो हम बोलते हैं एंड पॉइंट। एक आता है हमारा लास्ट में इंडिकेटर। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारा एंड पॉइंट आ गया, मतलब अब हमें इसके बाद टाइट्रेशन नहीं करनी, ये कैसे पता चलता है, हमें इंडिकेटर की हेल्प से पता करता है। अब इंडिकेटर क्या करता है, वो क्या करता है, जब इंडिकेटर को हम अपनी टाइट्रेशन के उसमें सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो उससे क्या होता है, उसका कलर चेंज होने लगता है, यानी कि जब कलर चेंज हो जाता है इसका मतलब उसका पीएच चेंज हो गया, पीएच चेंज होगा तभी कलर चेंज होगा, दैट मीन्स हमारा एंड पॉइंट आ गया और इंडिकेटर से हमें पता चल गया। तो ठीक है, इंडिकेट एंड पॉइंट, ओके गॉट इट, यहाँ पे सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम अपनी एसिडिमेट्री की। अब सब इन सब के ऊपर ही बेस्ड है हमारी एसिडिमेट्री, ये हमारी, एक मिनट में बना देती हूँ यहाँ पे, ये हमारा, आपने टाइट्रेशन देखा ही होगा, स्टैंड वगैरह जो होता है। ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है, समझिए, यहाँ पे ये हमारी ब्यूरेट लगी है, ब्यूरेट देखी है ना सबने, ठीक है, तो ये समझे हमारी ब्यूरेट है, इसके अंदर इसमें ड्रॉप ड्रॉप करके गिरेगा, ये इसके यहाँ पे नोब होती है ऐसी, ये हो गया, ये समझ ले कॉनिकल फ्लास्क है, समझे। अब इसके अंदर हमने, अब देखिए एसिडिमेट्री क्या होती है, एसिडिमेट्री मतलब इसमें क्या करते हैं, किसी भी बेसिक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन पता करना जिस मेथड से होता है उसे एसिडिमेट्री बोलते हैं, यानी कि जब हम किसी बेसिक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन करते हैं तो वो जिस मेथड से करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एसिडिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी समझ में आया ना, यानी कि एसिड टाइट्रेशन में कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो एसिड नहीं निकला, बेसिक से निकलेगा, एसिड से नहीं निकलता, किससे निकलता है, बेसिक से निकलता है, लेकिन हम क्या करते हैं एसिड की हेल्प लेते, एसिड की हेल्प लेके निकलेगा, लेकिन निकलेगा किससे, बेसिक से। ठीक है, तो अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम इसके लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमें इसके लिए एग्जाम्पल ले लिया स्टैंडर्ड, आपको मैंने ऑक्सैलिक एसिड का कराया था ना, 0.1 N कर लेते हैं हम, 0.1 N का करवाया था ना मैंने, NaOH। अब वो समझना, मैं आपको बोल रही थी ना लैब में कैसे करेंगे, आप वो से देखना, आप स्टैंडर्ड ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है ये है। अब इसमें हमारा जो NaOH हमने लिया वो क्या होता है, बेस होता है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, क्योंकि बेस के लिए मैंने बोला ना जब सॉल्यूशन हैवी एलालाइट होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। और जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड है
ऑक्सैलिक एसिड हमारा क्या हुआ, एसिड, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड। मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, पीएस और एएस। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा यूपीएस को हम यूज करेंगे, यानी कि हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड को हम यूज कर रहे हैं, तो उसका जो उस तरह का जो टाइट्रेशन कहलाएगा वो क्या कहलाता है, एसिडिमेट्री होता है। जैसे कि मैंने बोला जिसमें हम क्या करते हैं बेस को यूज कर रहे हैं, वो क्या हो जाती है हमारी, एसिडिमेट्री होती है ना, ठीक है। ओके, तो जिस टाइट्रेशन के अंदर हमारा एसिड पीएस यूज कर रहे हैं, मीन्स यानी कि वो कॉनिकल फ्लास्क में होगा, तो वो क्या होगा रहा हमारा एसिडिमेट्री। कॉनिकल फ्लास्क में क्या है हमारा, प्राइमरी एसिड यानी कि ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड प्राइमरी एसिड है ना, ऑक्सैलिक एसिड हमारा कॉनिकल फ्लास्क में है, ठीक है। ब्यूरेट में हम बढ़ेंगे NaOH बेस, ठीक है, ठीक है। अगर हमारा ये मैंने जैसे बोला कॉनिकल फ्लास्क में हमारा एसिड है तो वो एसिडिमेट्री, और अगर हमारा इसके अंदर कॉनिकल फ्लास्क में हमारा बेस होता है या एल्कली वगैरह होता तो उसको बोलते हैं एल्कलीमेट्री। जो आपकी नेक्स्ट टॉपिक है वो एल्कलीमेट्री, वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे, वो आज तो सिर्फ हमारा बेसिक पढ़ रहे हैं ना, हम सिर्फ आज ये वाला पढ़ रहे हैं एसिडिमेट्रिक। तो ठीक है, हमारा जैसे मैंने बोलते ये हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है, ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड हो गया। तो इसमें हमारा जो 0.1 N है उसका जो ऑक्सैलिक एसिड है वो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड हो गया, तो हमने कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया 10 ml, इसका हमने सॉल्यूशन बनाया 10 ml का, और हमने कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया, ठीक है। अब ब्यूरेट में हमने भर लिया क्या, NaOH यानी कि बेस, जो हमारा एनालाइट है जिसकी हमें जांच करनी है, जिसका हमें पता करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो जो हमारा एसिड है वो इस बेसिक सब्सटेंस की क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करेगा, करेगा कि नहीं, क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, तो वो किसके हेल्प से करेगा, इंडिकेटर की हेल्प से, इंडिकेटर की हेल्प से, किसकी हेल्प से, इंडिकेटर की हेल्प से। तो इस रिएक्शन में जो कॉनिकल फ्लास्क में ऑक्सैलिक एसिड है, उसमें ऑक्सैलिक एसिड है, उसमें हम क्या करते हैं 2 और 3 ड्रॉप्स फिनोप्थिलीन की डाल देते हैं, ठीक है। फिनोप्थिलीन की डालेंगे, फिर ब्यूरेट को चला देंगे, फिर ब्यूरेट को नॉब से यहां से ऑन कर देते हैं, जब इसमें डाल देंगे उसके बाद इसमें से ड्रॉप ड्रॉप गिरना शुरू हो जाती है, इसके अंदर कॉनिकल फ्लास्क में ड्रॉप ड्रॉप जाएंगी, ड्रॉप ड्रॉप, ठीक है, गिरती हैं। जब वो गिरती हैं तो उसके बाद इसमें इधर की तरफ हम देखते हैं तो उसमें इसका क्या होने लगता है, कलर चेंज होने लगता है, इसका यहाँ पे कलर चेंज होने लगता है, ठीक है, इसमें कलर चेंज होने लगता है। कलर चेंज होता है तो मतलब क्या होता है, इंडिकेटर, जब कलर हम इंडिकेटर डाल रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है, मतलब उसमें इंडिकेट हो गया, हमारा कलर चेंज हो गया, उसका पीएच क्या हो गया, निकल चेंज हो गया, तो यानी कि हमारा एंड पॉइंट आ गया। जब मैंने बोला ना जब कलर चेंज होने लगता है तो एंड पॉइंट आ जाता है, जब ड्रॉप ड्रॉप डालेंगे तो एक पॉइंट हमारा ऐसा आ जाएगा कि उसका कलर चेंज होने लगेगा। कलर चेंज हो गया मीन्स पीएच चेंज हो गया, पीएच चेंज हो गया मतलब हमें पता चल गया कि हमारा एंड पॉइंट है। तो जो हमारा एंड पॉइंट आएगा उसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइज्ड एंड पॉइंट, ठीक है। और सॉल्यूशन को बोलते हैं, जो हमारा इसमें सॉल्यूशन आएगा, पॉइंट को तो बोल दिया हमने एंड पॉइंट, जो हमारा सॉल्यूशन बनते बोलते हैं उसको न्यूट्रलाइज्ड सॉल्यूशन, ठीक है, वो न्यूट्रलाइज्ड सॉल्यूशन हो गया। तो यानी कि पीएस का यूज किया हमने किसके लिए, एसएस की कंसेंट्रेशन के लिए। पीएस का हमने यूज किसके लिए किया, सेकेंडरी स्टैंडर्ड की कंसेंट्रेशन को पता करने के लिए, ठीक है, समझ में आया। इसमें हमारा अमाउंट पता चल गया ना हमें, फिर इसमें कितना है कितना नहीं, ठीक है, आ गया समझ में, एनी प्रॉब्लम। ये सब आपके लैब में होंगे, आप जब लैब में करेंगे आपको पता चल जाएंगे और अच्छे से, जब आप लैब में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, जब आप लैब में करते हैं तो आपको पता चल जाता है। इसलिए मैंने ये इसको ब्यूरेट और कॉनिकल फ्लास्क वगैरह सब समझ बना के समझाया जिससे कि आपको समझ में आ जाए, सिर्फ इसमें कलर चेंज होगा अदरवाइज और कुछ नहीं होगा, एसिड बेस की हेल्प से, ठीक है। क्या बात, कुछ सही से आवाज नहीं आ रही है, चलें तो आज सिर्फ इतना ही पढ़ लेते हैं। एसिड बेस हमने सिर्फ एसिडिमेट्री पढ़ी, उसमें हमारा पता चल गया कि उसमें कलर चेंज हुआ है,
ठीक है, तो उसके बाद आप अटेंडेंस ले ले, कल आपको एल्केली पढ़ा देंगे। और अगर क्लास अटेंड नहीं होती तो आप मेरे को फोन कर दें, मेरे को बता दें, ठीक है, इन्फॉर्म कर दिया करें। ओके, अटेंडेंस बोल दें। आकांक्षा, सुमित, सुमित, फाइव ऑफ, आकांक्षा, अभय शर्मा, अर्जुन धीमान, अभय शर्मा, अर्जुन धीमान, ठीक है, आर्यन कुमार, मोहम्मद मुनीर आलम, अभिजीत, ठीक है, मंजी, अभिजीत, आदित्य शर्मा, मनीष, दिव्यांशी, अतुल, प्रणव, विशाल, दीपक परमार, प्रशांत चौधरी, मोहम्मद अहमद, अभय शर्मा, मनीष शर्मा तो आपको हो गया, शुभम, कोशिंदर, अभय कश्यप, कोशिंदर प्रेजेंट, ठीक है, गोविंद, ठीक है, हो गए, कोशिंदर भी हो गए, अभय शर्मा भी हो गए, सॉरी, अभय कश्यप भी हो गए, अंशुल सैनी, हर्ष, जय कौशिक, अंशुल पाल, जय कौशिक, ठीक है, अंशुल पाल, निशांत शर्मा, राव शहादत, राव शहादत, प्रणव सिंह, प्रणव सिंह, प्रणव सिंह की तो आवाज हमेशा ऐसी आती है जैसे अभी बस सोए हुए हैं। मोहम्मद नदीम, रोहन सैनी, तुषार, तुषार भी नहीं आए, ठीक है, किसी की रही तो नहीं, एक दीपक कुमार थे न्यू वाले, वो आए, यस, ओके, ठीक है, अच्छा किसी का रह गया, आयुष, वैभव रह गए, अभय कश्यप, एक अरबाज खान, आर्यन कुमार, प्रणव चौहान, जगदीर आलम, वैभव की हो गई, वैभव से अलग द्वारा, ठीक है, यशवंत, तन्वीर आलम, और कौन बोल रहे थे, किसकी रह गई, अरबाज खान आपकी बोली मैंने प्रेजेंट, ठीक है, और कौन रह गया भाई, सबकी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 हो तो गए, लेकिन आप लोग कितने हैं, 11, आप तो मोहम्मद अहमद आपकी हो गई, चले ठीक है, अब सबका हो गया, आपको आज का टॉपिक समझ में आया, कॉलेज के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कॉलेज के बारे में आप मेरे से ना पूछा करें, ज्यादा अच्छा है, ठीक है, चलो ओके बच्चों, थैंक यू।